इज सोशियोलॉजी या साइंस? अगर क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, इज सोशियोलॉजी या साइंस, गिव आर्गुमेंट्स। देखो किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनेंगे डिबेट के एंड हाउ द डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इज सोशियोलॉजी या साइंस, गिव आर्गुमेंट्स, सीधा क्वेश्चन आ जाए। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी, इज सोशियोलॉजी या साइंस सिमिलर टू नेचुरल साइंसेस, इज सोशियोलॉजी या साइंस सिमिलर टू नेचुरल साइंसेस। इज सोशियोलॉजी या साइंस सिमिलर टू नेचुरल साइंसेस, डिस्कस। Discuss. Then next, sociology is a scientific discipline. Sociology is a scientific discipline. This statement hai, sociology is a scientific discipline. Discuss various limitations in this regard. Discuss various limitations in this regard. अब देखिए ना, see, debate is one. जैसे कल हमने देख, if you remember the first lecture yesterday about that sociology and common sense, debate is one. But that debate is asked in the exam. In yesterday we have discussed 3 to 4 possible ways, है ना? So your preparation of any topic constitutes of two parts. First of all, you understand that debate. At the same time, then you have to understand the possibilities that in what ways this debate can be asked in the examination. Once you complete these two things, then you are safe from examination point of view. ठीक है ना? तो अब इसका first of all हम क्या करेंगे? ये जो debate है, इसकी हम structure बनाएंगे. मतलब we will draw the bricks. ठीक है ना? We will draw the bricks. तो पहली brick इसमें है, what is science? जब हम कहते हैं सोशियोलॉजी साइंस, तो हमें बताना पड़ेगा साइंस क्या है. व्हाट इज साइंस? द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एज अंडरस्टूड इन सोशियोलॉजी फ्रॉम अ मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो ये पहली ब्रिक होगी, व्हाट इज साइंस. देन हमने साइंस में क्या, अब हमें बताना है कि इस सोशियोलॉजी साइंस, राइट? तो पहला मेरा पार्ट बन जाएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ साइंस कि इस सोशियोलॉजी a science in terms of subject matter. अगर हम subject matter को देखें तो ये क्या science है? क्या in terms of the subject matter? याद करो कल हमने science जब define किया था तो science as subject matter and science as method. साइंस एज सब्जेक्ट मैटर एंड साइंस एज अ मेथड हमने किया था. तो हमें आंसर करना पड़ेगा जैसे कि सोशियोलॉजी या साइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर हम करेंगे आगे. एंड थर्ड फिर हम करेंगे इस सोशियोलॉजी साइंस इन टर्म्स ऑफ मेथड. मतलब यहां डेफिनेशन ऑफ साइंस डिफरेंट है, यहां डेफिनेशन ऑफ साइंस डिफरेंट है. क्लियर? देखो अगर ब्रिक्स आपके दिमाग में क्लियर हैं कि यस दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टॉपिक, देन यू कैन नॉट बी डिफीटेड इन द एग्जाम. एंड फाइनली देन वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा हमें? कंक्लूड. क्या आप फाइनली कंक्लूजन में क्या बोलते हो कि क्या सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं? अब व्हेन वी टॉक ऑफ दिस इज सोशियोलॉजी साइंस सब्जेक्ट मैटर, इसके दो एस्पेक्ट्स बनेंगे, डायमेंशन यस एंड नो. यहां पे भी यस एंड नो. नो का मतलब क्या है? लिमिटेशंस. नो का मतलब नो नहीं है, यहां पे लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस. यस मतलब कि हां कैसे ये, अब जब मैं कहता हूं यस और नो, ये किस बेसिस पे आप करोगे? इफ आई हैव टू प्रूव दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस और नॉट, किस बेसिस पे? कि वेदर दे
दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीट्स द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ साइंस, क्वांटिफाइबिलिटी, इंटरसबेक्टिव रिलायबिलिटी, क्या वो पॉसिबल है इस साइंस पे? अगर पॉसिबल है तो साइंस है, अगर पॉसिबल नहीं है तो साइंस नहीं है, यही बात है क्या? नहीं, सिंपल सी बात है, क्लियर? तो ये आपके सारी ब्रिक्स हो गए, पेपर में क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए लेकिन आएगा इसी स्ट्रक्चर में से।